70% मेल्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लेट्स लीव इट हियर, लेट्स एंड दिस। फिर मैं उनको ये भी बोलती हूँ, ठीक है आप छोड़िए मत इसको, आप दूसरी शादी करिए अगर आपको इतना है बच्चे का। नहीं नहीं मैं छोड़ दूंगा इसको, मतलब ऐसे भी पेशेंट्स हु आर गोइंग फॉर ए फर्टिलिटी चेकअप, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को जाना चाहिए, सो दैट एक फीमेल पार्टनर, काफ़ी पेशेंट्स ज़्यादा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस आ रहे हैं। देन मेल फैक्टर, मतलब इट्स सरप्राइजिंग लाइक 10 पेशेंट्स में से 4 पेशेंट्स मेल इनफर्टिलिटी के, एजोस्पर्मिया इतना ज्यादा हो गया। ये है कि लाइटली नहीं लेना चाहिए चीजों, बिल्कुल नहीं लेना। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर फीमेल्स की आपने बात की, आपने कहा कि लो एएमएच या मेल्स में एजोस्पर्मिया, तो पता कैसे चलेगा एक फीमेल को कि शी इज हैविंग दिस टाइप ऑफ, आई मीन से शी हैज टू विजिट डॉक्टर, कैसे पता चलेगा? अनमैरिड फीमेल्स को भी एक फर्टिलिटी चेक कराना चाहिए पहले, जो हार्मोनल प्रोफाइल होता है, क्योंकि ये आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे 20 इयर्स की फीमेल्स, 25 इयर्स की फीमेल्स लो एएमएच करके आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में, जहाँ से भी आप देख रहे हैं हमें। और आज का प्रोग्राम बड़ा ही इम्पोर्टेंट आप सबके लिए है, अहमियत का हामिल इस लिहाज से है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो मौजू हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन कपल्स के लिए जिनकी शादी हुई है और शादी के बाद वो एक उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर से कि उनका बच्चा सेहतियाब बच्चा हो, अच्छे से बच्चा हो और उनके घर में भी चिराग जो है वो रोशन हो। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है इम्प्रीमस IVF सेंटर की एक मायनाज और काबिल डॉक्टर इरम एस आखून को, जो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्योंकि आज हमने बड़ा अहमियत वाला मौजू जो है वो प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाना है। आज हम बात करेंगे खासकर जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशूज़ हैं या शादीशुदा जितने भी कपल्स हैं उनमें अचानक आज देखा गया रुझान बढ़ गया है कि शादी के बाद बहुत अरसे तक बच्चा नहीं होता है और उसकी वजह से परेशानी का आलम होता है कपल्स में, वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। सबसे पहले आप जनरली बता दीजिए कि ये रुझान क्यों बढ़ रहा है हमारे समाज में। देखिए इनफर्टिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा राइज है कश्मीर पे, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो। पहले तो फीमेल ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे हम कि फीमेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा है, लेकिन कुछ दिनों से मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा राइज है कश्मीर में। तो ये सब एक तो एनवायरमेंटल चेंजेस है, डाइट है, लाइफस्टाइल जो है आजकल हमारा रोबोटिक लाइफस्टाइल है, सब डिजिटली हो गया है सब कुछ, सो बेसिक वही है। एंड अभी भी मैं देख रही हूँ काफ़ी पेशेंट देर इज़ लाइक लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता नहीं है। कई दफ़ा पेशेंट को बोलते हैं कि आपने कुछ फर्टिलिटी चेक कराया है अपना फर्टिलिटी चेकअप, तो इनको पता ही नहीं होता है उसमें क्या क्या टेस्ट है। लाइक बेसिक है कि अभी भी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मिस हो रहा है, जो फर्टिलिटी जो एक स्क्रीनिंग जो मोस्टली जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, वैसे ही सारे कपल्स को या चाहे फीमेल हो अनमैरिड फीमेल्स को भी एक फर्टिलिटी चेक कराना चाहिए पहले, जो हार्मोनल प्रोफाइल होता है। क्योंकि ये आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे 20 इयर्स की फीमेल्स, 25 इयर्स की फीमेल्स लो एएमएच करके आ रही है, 0.1 ऐसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये इसलिए है क्योंकि फर्टिलिटी वो स्क्रीनिंग करानी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर इरम, आपको लग रहा है कि ये भी अलार्मिंग है जो फीमेल्स में ये लो एएमएच या बाकी जो? बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज़्यादा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस आ रहे हैं। देन मेल फैक्टर, मतलब इट्स सरप्राइजिंग लाइक 10 पेशेंट्स में से 4 पेशेंट्स मेल इनफर्टिलिटी के, एजोस्पर्मिया इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब वी गेट सरप्राइज्ड कि 10 पेशेंट्स में, यूजुअली फीमेल लाइक फर्टिलिटी क्लिनिक्स में फीमेल पेशेंट जाती है, अब मेल पेशेंट्स आ रहे हैं, लाइक 10 में से 4 मेल पेशेंट ही अलग से आ रहे हैं,
कि मैम ऐसे शादी हो गई, ऐसे टेस्ट कराया, अब इसमें सीमन टेस्ट एजोस्पर्मिया इतना ज़्यादा हो गया है राइस पे। तो लाइक सपोज़ अगर मेल इनफर्टिलिटी में लाइक एजोस्पर्मिया जैसे है या बाकी स्पर्म एबनॉर्मलिटीज़ है, वो लोग क्या वो डिले करते हैं, वो उनको लगता है कि एजोस्पर्मिया का भी कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है मेडिकेशन से, सो बाय दैट वो डिले करते जाते हैं, जिसकी वजह से हम लाइक एक प्रोसीजर होता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए टीज़ा, ठीक है, टीज़ा प्रोसीजर जिनको एजोस्पर्मिया होता है, तो उनमें क्या होता है कि वो इतना डिले करते हैं जब उनका जब वो अपना टेस्ट करते हैं सीमन एनालिसिस, जब उनको एजोस्पर्मिया एक दफ़ा आता है तो वो लोग 5-6 साल घूमते रहते हैं कि कुछ मेडिसिन से कुछ हो ना जाए, जिसकी वजह से टीज़ा से भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो आपका मतलब ये है कि लाइटली नहीं लेना चाहिए चीज़ों, बिल्कुल नहीं लेना। तो डॉक्टर साहब, चूँकि अगर फीमेल्स की आपने बात की, आपने कहा कि लो AMH या मेल्स में एजोस्पर्मिया, तो पता कैसे चलेगा एक फीमेल को कि शी इज हैविंग दिस टाइप ऑफ, आई मीन से शी हैज टू विजिट डॉक्टर, कैसे पता चलेगा? देखिए मैंने पहले भी बताया है कि लाइक सपोज इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ पेशेंट एंड द एज एट विच शी गेट्स मैरिड। लाइक सपोज अगर 35 years बिलो, क्योंकि एडवांस मैटरनल एज इतना ज़्यादा हो गया है कश्मीर में, शादी 30 years अबो ही कर रही है फीमेल्स, मे बी बिकॉज ऑफ करियर ऑप्शन या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो सब कश्मीर में प्रॉब्लम हो रही है। आपको लग रहा है दैट्स आल्सो नॉट गुड साइन? ऑफ कोर्स डिलेड मैरिज इज नॉट गुड साइन, फिर अल्लाह ताला ने क्यों हमें सुनना रखा है कि जल्दी शादी करनी है, ठीक है, ये नहीं है कि लड़कों की शादी फिर 40 उम्र में करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज अल्लाह ताला ने रखी है हमारे कल्चर में है कि इस्लाम में कि किस एज पे आपको शादी करने के लिए लाइक विच इज़ द बेटर एज टू गेट मैरिड। तो इसमें क्या है कि अब 35 के बिलो अगर वो शादी करते हैं तो उनको विद इन लाइक 1 year ऑफ ट्राइंग फॉर कंसेप्शन उनको फर्टिलिटी चेकअप के लिए जाना चाहिए। ये लोग कुछ पेशेंट्स बोलते हैं चलो अभी हम 2-3 साल देखते हैं फिर हम टेस्ट करेंगे। You mean say they take lightly there, you know? Yes, yes, yes. तो डॉक्टर साहब, चूंकि एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जो आपने कहा कि गैर शादीशुदा हुआ अनमैरिड लड़कियां, तो उनमें कैसे ये साइंस पाई जा सकती हैं? क्या कोई खास है जो जो हमारी ख्वातीन या हमारी बहनें इस वक्त देख रही हैं उनको फिर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? देखिए लाइक PCOD जो बहुत ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा केसेस आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल पार्टनर, राइट। तो अब लाइक फॉर एवरी फीमेल क्रॉसिंग 25 शी शुड गो फॉर अ हार्मोनल चेकअप, एक फर्टिलिटी स्क्रीनिंग आप इसको बोल सकते हो। जैसे आप नॉर्मली जाओगे जैसे आप कोई भी टेस्ट ब्लड टेस्ट करने जा रहे हैं आप लाइक कश्मीर में, तो वैसे हेल्थ स्क्रीनिंग ये एनुअली कोई नहीं करता है, आई हैव नॉट सीन दैट, बट ये लाइक जैसे बाकी स्टेट्स में आउटसाइड कश्मीर दे डू एनुअली हेल्थ चेकअप, उसके साथ साथ दे डू फर्टिलिटी चेकअप एज वेल वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड। लाइक सपोज वी कैन पिक अप उनका PCOD तो नहीं है सो दैट इट विल बी सेटल, या कोई यूट्राइन मॉर्फोलॉजी फाइब्रॉयड वगैरह तो नहीं है जो उससे फर्दर इनफर्टिलिटी करा सकता है, यू कैन हम पिक इजी अर्ली कर सकते हैं, वी कैन डू अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। और जो लाइक कपल्स those who get married after 35 years they should you know consult a fertility expert even after 6 months of trying for natural conception, 6 months unke liye gap hai, and jinki age female partner ki 35 hai 35 below hai to they can like they need to go to see a fertility expert even only after 1 year of this trying for conception। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेल्स का आपने कहा एजोस्पर्मिया की आपने बात की, तो मेल्स के लिए भी यही प्रोसीजर है कि उनको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? कैसे मेल्स कर सकते हैं वो थोड़ा सा जो सफ़र कर रहे हों? देखिए लाइक यूजुअली तो मेल्स दे यू नो पहले तो फीमेल पार्टनर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो देखा जा जो हम देखते हैं, फिर जब फीमेल के सारे टेस्ट होते हैं फिर मेल पार्टनर को किया जाता है। पहले आप फोकस मेल फीमेल पे ही करते हैं? Obviously every doctor सब यही करते हैं, पहले female भी female अकेली आती है गायनेक से मिलने, male तो occasionally कोई साथ होता है, right?
तो मेरा ये है कि लाइक व्हाट आई वांट इज कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फर्टिलिटी चेकअप बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को जाना चाहिए सो दैट एक फीमेल पार्टनर काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जो आइसोलेशन फील करती हैं बहुत सारी फीमेल्स ऐसी नो नॉट दैट दे आर मैरिड फॉर 8 years 8 9 ऐसे एंड उनको इंडक्शन फीमेल पार्टनर पे ही ट्रीटमेंट चल रहा है 8-10 साल से ठीक है जबकि होना चाहिए था मेल पे भी हाँ फिर निकल रहा है फीमेल पार्टनर का सब कुछ ठीक है ओके मेल पार्टनर ने टेस्ट ही नहीं किया और फिर मेल पार्टनर को टेस्ट करके उसमें प्रॉब्लम आ गई सो दिस इज़ अ टैबू जो हमारी सोसाइटी में है वी लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन फीमेल पार्टनर ही अब दोनों को चेक करिए ठीक है देन यू प्लान अ ट्रीटमेंट सो दैट इज़ द मेन थिंग मुझे लगता है कि लाइक पीपल नीड लॉट ऑफ काउंसलिंग इसके लिए इसीलिए कि डॉक्टर इरम जी का कहना है कि ख़ासकर जब घरेलू मामलात की बात आती है कपल्स में कोई इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू की बात आती है तो बोथ शुड कोऑपरेट यस ऑफ कोर्स बोथ शुड कोऑपरेट और यहाँ पे और आपको लगता है कि हमारे समाज में थोड़ा सा मेल जो स्टीरियोटाइप थिंग है वो कहीं ना कहीं है मैं आपको बताती हूँ क्यों बिकॉज यू नो आई एनकाउंटर लॉट ऑफ लाइक एटलीस्ट 50-60 पेशेंट्स अ डे तो ऐसा है कि लाइक अगर मेल पार्टनर की प्रॉब्लम निकलती है ना तो फीमेल पार्टनर बहुत अच्छे से कोऑपरेट मतलब यू नो देर इज़ नो लाइक इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फीमेल पार्टनर को भी नहीं बोलती है कि नहीं मेल पार्टनर को प्रॉब्लम है तो अब मुझे लाइक यू नो दे सम मेल मेल पार्टनर्स उनको क्या होता है जब फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम निकलती है लाइक AMH डाउन होता है यू दे डायरेक्टली यू नो गो फॉर डिवोर्सेस अच्छा ऐसा भी हुआ यस यस ऑफकोर्स ऑन टेबल बहुत सारे केसेस ऐसे हो गए हैं एंड देन व्हेन इट कम्स टू मेल मेल पार्टनर जब फीमेल सपोर्ट होता फीमेल सपोर्ट दैट्स ट्रू इसका मतलब है कि जो इसका मतलब है कि जो हमारी ख्वातीन हैं हमारे समाज में जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको सलाम उनके हौसले और जज्बे को सलाम और डॉक्टर इरम आप हमारे साथ मौजूद हैं आपको भी हमारी तरफ से सलाम आप भी एक फीमेल है आप भी एक खातून ही हैं और जो ख़ासकर ख्वातीन के रिलेटेड इश्यूज को देख रही हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड तो डॉक्टर साहब चूँकि अभी स्टीरियोटाइप में आपको लग रहा है कि बहुत सारे घर भी बर्बाद होते होंगे बिल्कुल बहुत होते हैं मैं तो देखती हूँ कि एक फीमेल पेशेंट वो कितना अच्छे से कोऑपरेट करती है जब मेल पार्टनर की प्रॉब्लम होती है वो एकदम विद स्माइल शी एक्सेप्ट्स एवरीथिंग हाँ एवरीथिंग वो बोलती है कि आजकल तो शादियाँ इतनी मुश्किल से हो रही है अब मेरे 4 बहनें और है लाइक सपोज तो मैं कर लूँगी कॉरपोरेट मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं आप सोचो अच्छे से बिकॉज ये आपकी भी लाइफ का सवाल है फिर जब फीमेल पार्टनर की प्रॉब्लम निकलती है तो मेल पार्टनर जो है वो एकदम आ जाता है नहीं मैं तो फिर दूसरी शादी करूँगा मुझे तो मेरे बच्चा के साथ है आई वांट बच्चा दैट इज द हरफे आखिर जो होता है खासकर हमारे मर्द हजरात का वो कहते हैं कि आई वांट बच्चा और उल्टा जब फीमेल ठीक होती है यू मीन से कि इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट जब मेल में इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू होता है तो फीमेल उसका साथ देती है और मेल नहीं देते और मेल नहीं देते हैं तो यू हैव सीन इट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट यस सब नहीं ऐसे होते हैं सब नहीं कुछ मेल्स बहुत अच्छे होते हैं बट इट्स लाइक रेशियो की बात बट मेजॉरिटी में ज्यादा लाइक 7 out of 10 सात मेल वाले ऐसे होते हैं कि वो अनॉय हो जाते हैं वो बोलते हैं यस नॉट कोऑपरेटिव कितनी डिफरेंस है नहीं दैट इज ट्रू कि बिहेवियर में खासकर जो हमारी कश्मीर की ख्वातीन हैं they deserve lot of love they deserve salute wo kitni patience qabil salam hai hamari khawatin true I really understand and with a smile ek bhi patient maine aise nahi dekhi hai ki jisne ungli uthai ho ki mere shauhar mein mere husband mein problem hai but agar ye vice versa hai agar ye ulta hai to yaqeeni taur par aapke mutabik lagbhag 70% males aise hote hain जो कहते हैं कि लेट्स लीव इट हेयर लेट्स एंड दिस फिर मैं उनको ये भी बोलती हूँ ठीक है आप छोड़िए मत इसको आप दूसरी शादी करिए अगर आपको इतना है बच्चे का नहीं नहीं
मैं छोड़ दूंगा इसको, मतलब ऐसे भी पेशेंट्स हैं, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। चलिए डॉक्टर इरम, लास्ट पे चूंकि आई रियली वॉन्ट अ मैसेज फ्रॉम यू, लेकिन बिफोर दैट मैसेज आपसे मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो ऐसी फीमेल्स होती हैं खासकर इनफर्टिलिटी रिलेटेड जिनका अभी अर्ली स्टेज है, तो उनके लिए डॉक्टर इरम एस आखून की क्या एडवाइस रहेगी? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी, लाइक फॉर अनमैरिड वीमेन, उनको अगर लगता है कि उनको कोई पीसीओडी का सिम्टम है, इफ़ दे आर क्रॉसिंग 25 दे शुड गो फॉर अ फर्टिलिटी चेक, ठीक है, एक स्क्रीनिंग, हार्मोन स्क्रीनिंग करके रखे, सो दैट जो भी अर्ली पीसीओडी हो या लो एएमएच हो वो पिक हो जाए। सपोज लाइक आज एक मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वॉज अनमैरिड एंड शी हैड फाइब्रॉइड्स एंड एएमएच भी कम था, सो आई काउंसल्ड हर, फाइन ठीक है फाइब्रॉइड्स का मायोमेक्टमी वगैरह कर सकते हैं, बट यू शुड थिंक ऑफ योर मैरिज सून, बिकॉज इन पेशेंट्स में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। So early marriage is a key, you know. Early marriage is key for females. So advice to the society कि जितना early marriage हो उतना ज़्यादा आप आपके घर में रोशनी ज़्यादा जल्दी आ सकती है। जी जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर, advanced maternal age बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर इरमस आखून, आज इम्प्रीमिस आप चलाती हैं, इम्प्रीमिस में आप एज गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे खासकर इनफर्टिलिटी रिलेटेड हमारे मुआशरे या समाज के जितने भी मसाइल हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में आती रहें और हमारे नाज़रीन को आगाह करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी थी डॉक्टर इरम एस आखून, जो इम्प्रीमिस IVF सेंटर मैं बतौर माहिर काम कर रही हैं, ख़ासकर जब इनफर्टिलिटी रिलेटेड हम बात करते हैं। आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अहम बातें की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।